गाइस, पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास में एक बहुत ही कॉमन सवाल आ रहा था, जो कि ये है कि भाई ऐसा कोई जुगाड़ बताओ जिसके मदद से हम अपने घर में हो रहे नेटवर्क प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बड़े ही आराम से। तो गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद में मैं आपके लिए ऐसा एक जुगाड़ लेके आया हूँ जिसके बाद में आप अपने घर में हो रहे नेटवर्क प्रॉब्लम को जो है बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक डिश टीवी का छतरी, यानी आपके घर में टीवी तो होगा ही और उसे साथ में कोई भी सेटअप बॉक्स या फिर डिक्स या फिर डीटीएच या फिर टाटा स्काई जो भी हो वो तो होगा ही। तो गाइस, उसके मदद से आप अपने घर में हो रहे नेटवर्क प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाओगे। कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ को आपकी ज़रूरत पड़ेगा, उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप एंड तक देखते रहेगा इस धमाकेदार वीडियो को। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, मोबाइल सिग्नल बूस्टर को बनाने के लिए आपको कॉपर वायर की जरूरत होगा और इसके लिए जो सिग्नल केबल होता है वो बेस्ट तरीका है। इसके अंदर में आपको कॉपर वायर जो है बड़े ही आराम से मिल जाएगा। तो ये एक सिरे में आपको कॉपर वायर जो है काट के निकालना है और उसके बाद में आपको ऐसे रिंग जैसे एंटीना जैसे बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस टाइप का आपको बनाना है कॉपर वायर के दोनों सिरे में। इस टाइप का एंटीना जैसे बनाने के बाद में आपको इसी साइड को जो है LNB के साइड में बांधना है। इससे ये होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगा, यानी नेटवर्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा, उससे बड़े ही आराम से ये कैच कर सकता है। और इसका जो दूसरा सिरा होगा उसमें भी आपको इसी टाइप का एंटीना बनाना है और उस सिरे को ले जाना है आपके कमरे में। जिस भी कमरे में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है उसी कमरे में आपको इसी टाइप से बना के ले जाना होगा और वहां पे आपको रखना होगा। यहां पे आप देखिए, तो मैंने इसको जो है अपने कमरे में ले आया हूं। उसी के बाद में आप इसको कहीं भी, आप अपने घर में कमरे में कहीं भी आप इसे चिपका सकते हो या फिर जहां पे आप काम करते हो वहां पे आप रख सकते हो। इससे ये होगा कि ऊपर से जो नेटवर्क जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बड़े ही आराम से आपके कमरे तक पहुंच सकता है और उसके बाद आपका जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा बड़े ही आराम से। आप इसको बड़े ही आराम से ट्राई कर सकते हो। इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट करके लगाइएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ज़्यादा डेकोरेट जो है नहीं किया हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, मैं जिस जगह हूँ, मैं जिस कमरे में हूँ, उसमें जियो का नेटवर्क जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। बट ये काम करने के बाद में जियो का जो है एक नेटवर्क तो बड़े ही आराम से मुझे मिल चुका है। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में बताइए और इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपका जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।